व्हाट कैन बी डन टू पास, हम लोगों ने जनाब सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी, हम लोगों ने अब डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटा पढ़ना है, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। वैसे मैंने पूरी जो स्लाइड शो है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अटैच किया हुआ, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट मंथ रखना है अपनी रिविजन्स के लिए, जो एप्लीकेशंस हैं, जो कंसेप्चुअल जो थेरीज हैं उनकी डायमेंशन को हम लोगों ने प्रॉपरली सॉल्व करना है, उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करना है, टेस्ट वगैरह के अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। फेलियर जो है हमने ठीक है एक दफा उसको एक्सेप्ट कर लिया, पर इसको बार बार अपनी जिंदगी में नहीं लेके आना, और हर एक से सजेशन लेना अब आप लोग बंद कर दें, क्योंकि एक बहुत मशहूर कॉल है कि एवरी बिग डिसीजन डिजास्टर कम फ्रॉम टेकिंग टू मैनी सजेशंस एंड कंबाइनिंग देम एट वन प्लेस। तो ये हमें करना चाहिए अगर हमें आईकैप के पेपर पास करने हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो अब हमें दो तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, एक वो जो नया स्टूडेंट है और एक वो जो पुराना। जो स्टूडेंट नया है उसको चाहिए कि वो पोस्ट रिजल्ट की क्लासेस लेना शुरू कर दे, और ये ऐसा बैच होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही फ्रेश बैच हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको एग्जिस्टिंग बैच के अंदर बिठाने की भरपूर कोशिश करेंगे, आप लोगों ने उनसे बिल्कुल मना कर देना है और फ्रेश बैच के अंदर अपनी जगह तलाश करनी है, ताकि आप लोग अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो फ्रॉम द स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करें। और बिलीव मी, कैफ का कोई भी सब्जेक्ट हो वो 2-3 माह में प्योर डेडिकेशन के साथ तैयार हो सकता है। उसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि टेस्ट और असाइनमेंट के अंदर फुल पार्टिसिपेट करें, और अपनी प्रिपरेशन जो कि अब हमारे पास टाइम कम रह गया है तो उसको फास्ट पेस पे करते। ओल्ड स्टूडेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी गुजारिश है कि वो बच्चे जिनका 40+ रिजल्ट आया वो क्या कर सकते हैं, तो जनाब वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेशन के अंदर अपीयर हो। दैट कैन बी फ्रॉम एनी कॉलेज, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, फ्रॉम एनी एजुकेशन इदारा, और अपने नोट्स से रिवाइज करने की कोशिश करें। जो नोट्स उन्होंने लास्ट टाइम बनाए थे उसको दोबारा खोलें, अपनी किताब को दोबारा खोलें, वहां से अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और वो बच्चे जिन्होंने 40 से कम मार्क्स लिए थे उनको चाहिए कि अगेन वो भी इन्हीं बच्चों की तरह एक पोस्ट रिजल्ट क्लास में एडमिशन ले लें, जो कि बिल्कुल ही फ्रेश बैच हो, और टेस्ट वगैरह और अपनी रिविजन्स को एक अच्छे प्लानिंग के साथ लेकर चलें। सेम वो बातें जो मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्ट में की थी। अब चूंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो नियर पियर जो कि एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है वो कैफ की पोस्ट रिजल्ट बैचेस अनाउंस कर रहा है विद द मोस्ट वर्सेटाइल फैकल्टी फॉर जस्ट ₹9,000, और ये प्राइस सिर्फ 30 नवंबर तक ही एप्लीकेबल है। इसके ऊपर हम लोग ने एक और सेशन प्लान कर रखा है जो कि फोकस कर रहा होगा नियर पियर पोस्ट रिजल्ट बैचेस के ऊपर। इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको भी ज्वाइन करें, ताकि हम लोग अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें उस डिस्कशन के साथ, और आप लोगों को मजीद बेहतर रहनुमाई दी जा सके। इसके अंदर मैं अगर टीचर्स का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं तो हमारे पास दाऊद शाही साहब मौजूद हैं, जानेब साहब मौजूद हैं, मुबशर वसीम साहब मौजूद हैं, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आतिफ साहब मौजूद हैं जो कि कैफ 3 और कैफ 4 को डील कर रहे हैं, राणा नवीद साहब मौजूद हैं जो कि कैफ 3 कैफ 4 को डील कर रहे हैं, और करंटली ये एक बहुत रिनोन्ड इदारे में पढ़ा रहे हैं, इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। कैफ 1 में दाऊद शाहिद साहब भी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, मुबशर वसीम साहब। कैफ 5 और कैफ 6 में हमारे पास एक उभरता हुआ सितारा फारूक साहब मौजूद हैं, कैफ 6 के अंदर हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड अली इमरान साहब मौजूद हैं जो कि एक रिनोन्ड इदारे के अंदर अभी टीच कर रहे हैं। कैफ 7 में हमारे पास दो टीचर्स हैं, एक बहुत एक्सपीरियंस जुबैर सलीम साहब जिनका 12 साल एक्सपीरियंस है, और एक फ्रेश और जज्बाती टीचर कैफ 7 के हमारे पास अजमल कानू साहब मौजूद हैं, जिनका रिसेंट जो रिजल्ट आया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। कैफ 8 में हमारे पास मशहूर जमाना हस्ती अब्दुल अजीम साहब मौजूद हैं, जिनका 14 साल मेंबर एक्सपीरियंस है कॉस्टिंग के अंदर, और कैफ 9 के अंदर 3 हजरात मौजूद हैं, एक अली इमरान साहब, अमार अहमद साहब, और एक वो मजदूर जो कि आपसे इस वक्त मुखातिब है। मूविंग ऑनवर्ड्स, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो जो बात मैं आप लोगों से बार 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 कह रहा हूं कि हमारी राइटिंग हमें हमेशा से ले डूबती है,
तो इसके लिए test.seeketnotes.net जो इदारा है वो अगेन अपने ऑनलाइन टेस्टिंग की वजह से बहुत फेमस है, और अगेन वो स्प्रिंग 2021 के लिए अपने टेस्ट सेशन लॉन्च किए हुए हैं। 12 वीक के टेस्ट इसके अंदर मौजूद होंगे, जिसके अंदर एक मिड टर्म और एक फाइनल मॉक मौजूद होगा। 100% इसको मैनेज किया जाएगा ऑनलाइन के साथ, और विद द कोविड अगेन तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। आप लोग घर बैठे सुकून से तैयारी कर रहे होंगे, और इसको कोई ऐसी वैसी टीम नहीं चलाती, एक स्पेशलाइज टीम है जो कि ACS, CFAB टीचर्स और एक्सपीरियंस टीम ऑफ CA फाइनलिस्ट से मिलके हम लोग इसको रन करते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉपर कमेंट्री मिलेगी ऑन योर शॉर्टकमिंग्स, और सजेस्टेड सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आप लोग एट एनी टाइम 24/7 अपनी क्यूरीज रेज कर सकते हैं, और जो एग्जामिनर्स होगा वो आपको रिप्लाई बैक कर रहा होगा विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू योर आंसर्स। और इस चीज को फोकस किया जाएगा कि आप लोगों की एक अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो। और अगर मैं आपसे इसके ऊपर एक और बात करूं, तो इसको हेड करते हैं हमारे अतिपापी साहब, तो उनकी निगरानी के अंदर ये तमाम CAF 1 से CAF 9 तक का जो टेस्ट सेशन है ये कंडक्ट किया जाता है। इसके ऊपर एक सेपरेट ओरिएंटेशन शेड्यूल्ड है, जस्ट लाइक द ओरिएंटेशन विच विल बी हैविंग ऑन द नियर पीयर फैकल्टी एंड हाउ नियर पीयर कैन गिव यू द कंप्लीट एंड डाइवर्सिफाइड फैकल्टी फॉर जस्ट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 9,000। तो वो सेशन भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ये वाला सेशन की ओरिएंटेशन भी आप लोगों ने लाजमी लेनी है, ताकि आप लोग खुद को मजीद बेहतर एनालाइज कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने उस बैच के अंदर अपना एडमिशन करवाना है जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, तो मैं अगर आपको उस स्लाइड पे दोबारा लेकर चलूं, तो जनाब नियर पीयर जो है वो अपने पोस्ट रिजल्ट बैचेस स्टार्ट करने जा रहा है। अगेन इसको मैं मजीद हाईलाइट कर दूं, दैट इज पोस्ट रिजल्ट बैचेस, जो कि एक वर्सेटाइल फैकल्टी लाइन के साथ मौजूद है। टीचर्स किसी अब तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट माना समझा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सेशन भी आप लोग लाजमी अटेंड करें। फोर्टनाइटली टारगेट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे, 24/7 एक्सेल्स होगी, 12 टेस्ट के हम लोगों ने बात कर ली, नोट्स, हैंडआउट, इस तरह की तमाम चीजें आप लोगों को मिलेंगी, और एक कंप्लीट सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम अ प्रॉपरली मैनेज्ड फैसिलिटेशन डेस्क। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेशन इस तरह का कंडक्ट होने जा रहा है, उसको जादेब साहब जो है प्रेजेंट कर रहे होंगे, और अगेन उस सेशन में भी आतिफ साहब की इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसा वो आपको अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो उस टाइम के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हेल्प आउट कर रहे होंगे। आप दिल खोल कर उनसे सवाल कीजिएगा, और अभी भी वो मुझे बता रहे हैं कि उनके पास कोई अराउंड 150+ क्वेश्चंस मौजूद है, जिनका वो थोड़ा दर रिप्लाई कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है, हम आपकी फैसिलिटी के लिए मौजूद हैं। 23 नवंबर को ये सेशन कंडक्ट किया जाएगा, और 3:45 पे ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। इन दुआओं में याद रखिएगा आतिफ आब्दुल साहब को, उनका ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपके क्यूरीज पे अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। काइंडली इस सेशन के बाद जो है वो कैरी ऑन करेंगे, और सेकंड पे मेरा नाम मौजूद है, मेरी भी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर मेरा व्हाट्सएप का यहाँ पे है। अगर आपको कोई क्यूरी फॉर इवन अ सिंगल सब्जेक्ट भी हो, तो आप इस नंबर के ऊपर अपना व्हाट्सएप में मेरे से पूछ सकते हैं। और अब मैं कुछ टाइम के लिए माइक दूंगा आतिफ आब्दुल साहब को, ताकि आप उनकी भी आवाज सुन लें। मुझे आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वॉइस आतिफ आब्दुल साहब की होगी, और माइक उनके हवाले।